से एंड अंदर है ये प्लास्टिक दी हुई है एंड यहाँ पर आपको एक चैन मिल जाएगी गाइस। आप इसको ओपन करके ना, जैसे अगर आपकी शीट खराब हो जाती है तो आप इसको ना मतलब अलग करके आप इसको वॉश कर सकते हो। तो आप अपने घर के में जो पड़े हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ ही अपने हेयर स्पा कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था। आप खुद अपने लिए हेयर स्पा क्रीम बना सकते हो जैसे मैंने बनाई थी। कैसा हेयर मैस फील हो रहा है आज मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ना मैं स्मूथनिंग कराती हूँ ना, उसके बाद जो मुझे फील आता है एकदम हेयर्स मेरे बिल्कुल लाइट वेट हो जाते हैं। तो चीजें हेयर्स के लिए, हेयर्स को हेल्दी रखना है तो आपके पास ये बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी नैना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर स्पा कैप गाइस। यस गाइस, जो कि एक अमेजिंग कैप होने वाली है। आपने वैसे तो थंबनेल में देख के पता चल गया होगा किस कैप के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने मंगाई अपने लिए एक अमेजोन से हेयर स्पा कैप। तो यस, अब पार्लर के अंदर आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है गाइस। हेयर स्पा अराउंड 800 रुपीज का हो जाता है, 800 से अबव ही होता है गाइस। नीचे तो शायद कभी ऑफर होता है तभी बाय चांस आपको मिल जाता है, बट गाइस जो ये हेयर स्पा है ना गाइस, आप घर पर आप इससे हेयर स्पा कर सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलने वाला आपको घर पर ही। और यस, आपके जो हेयर है काफी ज्यादा हेल्दी होने वाले। आप मेरे हेयर्स को फिलहाल देख सकते हो फ्रेंड्स। अभी जस्ट फ्रेंड्स हेयर स्पा करके बैठी हुई हूँ एंड उसके बाद जब मेरे हेयर सूख गए थे एंड देन मैंने वीडियो शूट कर रही हूँ। आप मेरे हेयर्स देख सकते हो गाइस, काफी ज्यादा हेल्दी लग रहे हैं काफी ज्यादा। और अभी जो इसकी पहले की हालत थी ना वो बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो इस हेयर कैप ने बहुत अच्छा कमाल किया। तो आपको इस कैप के बारे में बता देती हूँ। एंड यस गाइस, ये जो कैप है काफी ज्यादा स्पेशियस है, आप देख सकते हो गाइस। इसके अंदर छोटा बड़ा मोटा छोटा मोटा सब सारे तरह के सर इसके अंदर बहुत ही इजीली आ सकते हैं। बड़ी सी है एंड इसके बाहर ये पिंक से कलर की एक ना जैसे कुशन होता है ना गाइस, लाइक वैसा सा एकदम सॉफ्ट मटेरियल दिया हुआ है बाहर से एंड अंदर है ये प्लास्टिक दी हुई है। एंड यहाँ पर आपको एक चैन मिल जाएगी गाइस। आप इसको ओपन करके ना, जैसे अगर आपकी शीट खराब हो जाती है तो आप इसको ना मतलब अलग करके आप इसको वॉश कर सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि अगर हम हेयर स्पा पे अगर हम क्रीम वगैरह लगाते हैं तो यस ये जो अंदर प्लास्टिक है खराब होने के चांसेस हो जाते हैं, इसके ऊपर लग जाता है। तो यस हमें इसके अंदर ये काफी अच्छी सहूलियत सी दी हुई है, काफी ज्यादा अच्छे से कि हम इसको निकाल कर हम इसको वॉश कर सकते हैं बहुत ही इजीली। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो ये है ना, यहाँ पर इसके अंदर एक वायर दी हुई है प्रॉपर छोटी छोटी से ना, आप इसको टच करोगे आपको खुद को फील होगा कि यस यहाँ पर एक वायर दी हुई है जो आपकी जो हेयर्स के अंदर ना स्ट्रीम मतलब हीट पैदा करती है एंड उससे गाइस जो आपके हेयर्स है ना काफी ज्यादा मतलब मजबूत हो जाते हैं आपके, काफी आपके हेयर्स के अंदर काफी रिलीफिंग मिलती है, आपके अंदर स्वेटिंग होती है। देन आप इसको वॉश नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, वॉश आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपको ये ऊपर का जो है ना इसको वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है। यस आप इसका जो ये पॉलिथिन सा आपको उन्होंने लगा रख दिया हुआ है, आप इसको वॉश कर सकते हो क्योंकि यही है जो खराब होगा। बाकी आप इसको बाद में इसको बिल्कुल सेफ करके पॉलिथिन के अंदर इजिली वापस रख दो ताकि ये गंदा ना हो, उसको कोशिश करो ये गंदा ना हो। एंड यस, इसको मैंने कैसे यूज किया है, कैसे हेयर स्पा किया, वैसे तो गाइस देखो हेयर स्पा की क्रीम आती है, अगर आप हेयर स्पा क्रीम से करोगे तो ऑफकोर्स आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। बट गाइस अगर आपके पास हेयर स्पा क्रीम नहीं है तो आप अपने घर में जो पड़े हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ ही अपने हेयर स्पा कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था। आप खुद अपने लिए हेयर स्पा क्रीम बना सकते हो जैसे मैंने बनाई थी, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ मैंने अपनी हेयर स्पा क्रीम कैसे बनाई थी एंड इसको कैसे मैंने यूज किया जिससे मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिले। गाइस आप मेरे हेयर सच में देख सकते हो गाइस, एक एक हेयर ने इतना खिल रहा है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा लाइट वेट लग रहा है। पता है कैसा हेयर मैस फील हो रहा है आज मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ना मैं स्मूथनिंग कराती हूँ ना, उसके बाद जो मुझे फील आता है एकदम हेयर्स मेरे बिल्कुल लाइट वेट हो जाते हैं। तो लाइक मुझे आज वैसी फील हो रहा है, काफी ज्यादा हल्के हल्के हेयर्स हो रहे हैं एंड बिल्कुल भी उलझ ही नहीं रहे, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा स्मूथ से लग रहा है मुझे। तो यस फटाफट से जाके इसको देखो गाइस, मैंने इसका कैसे हेयर स्पा को यूज किया है। सो सबसे पहले मैं लूंगी नारियल का तेल, कैस्टर ऑयल एंड विटामिन ई का कैप्सूल, एलोवेरा जेल। एंड यस गाइस, आपके पास अगर इनमें से कुछ नहीं भी हो, जो हो आपके पास वो चलेगा। थोड़ा सा नारियल तेल लेना है, उसके बाद थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेना है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने विटामिन ई के 2 कैप्सूल अपने इस मिक्सचर में डाले थे एंड उसके बाद एलोवेरा जेल को लगा के अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है, काफ़ी अच्छा सा इसको स्मूथ पेस्ट बना लेना है ताकि आपके हेयर्स के लिए बिल्कुल एकदम मतलब क्रीमी सा हो जाए काफ़ी, जैसे कि आप देख सकते हो। उसको अपने रूट्स में ना अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है, काफी अच्छी तरह से उसको रूट्स पे अप्लाई करना है। इनफैक्ट गाइस ध्यान रखना आपको ना अपने जो बैक के मतलब गर्दन के ऊपर वाले हेयर्स होते हैं ना, वहां पर भी इसको अच्छी तरह अप्लाई करना है। इसका अच्छा सा एक जूड़ा बना के ना अपने हेयर्स पे एक पॉलिथीन लगा लेना है एंड उसको मैंने ना मतलब 40 मिनट्स के लिए सिर्फ पॉलिथीन लगाया था एंड उसके बाद मैंने ये 15 मिनट्स के लिए स्पा का ऐप यूज किया था। एंड गाइस काफी अच्छी हीट दे रही थी, मुझे फील हो रहा था। अब जब मैंने इसको रिमूव किया, आप देख सकते हो गाइस मेरे काफी ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी और काफी सारे हेयर मेरे बल्कि गीले हो गए थे, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुई। एंड उसके बाद आपको हल्के हाथों से अपनी मसाज करनी है जो कि काफी रिलीफ देगा आपको एंड उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हो कंडीशनर जो भी आप यूज करते हो उससे।
सो फ्रेंड्स आपने देख लिया इसको मैंने कैसे यूज किया है, आप भी इन सबके साथ यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स अगर आपके पास ना विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है तो आप जरूरी नहीं, आपके घर पे कोई भी आपके पास ऑलिव ऑयल हो या फिर कोई कौन सा या फिर कोई कैस्टर ऑयल हो या फिर नारियल का तेल हो, आप कोई सा भी तेल का सिर्फ नॉर्मली मसाज करके इससे अगर आप यूज करोगे ना तो ऑफकोर्स आपको वही रिजल्ट मिलने वाले हैं, डेफिनेटली वो रिजल्ट मिलने। बट यस हाँ अगर आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल वगैरह लगा दोगे तो उससे क्या होता है आपके जो हेयर्स होते हैं काफी हेल्दी हो जाते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम सबके खत्म हो जाती है। चीज है हेयर्स के लिए, हेयर्स को हेल्दी रखना है तो आपके पास ये होनी बहुत जरूरी है। इसका जो प्राइस है वो मुझे 380 रुपीज का पड़ा था। यस गाइज मुझे शिपिंग चार्जेस लगा के 380 का मैंने अमेजोन से इसको मंगाया था। आप इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। और यस गाइज इसको आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो, मीशो से भी मंगा सकते हो, बट गाइज मीशो की मैं गारंटी नहीं दे सकती कि वहां के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं क्योंकि वैसे तो बहुत अच्छे, तो बट इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है तो मतलब मैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ मीशो के ऊपर। तो यस तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप इसको अमेजोन से ही परचेज करो ताकि जो आपके जो पैसे है ना वो वर्थ इट रहे। यस गाइज तो यस आज की वीडियो में बस इतना, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो को पता है क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।